गाइस, ये है फैबर वाल कोटिंग। इसको फैबर अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस ये आज आपको दिखाएंगे रेशम वाल का काम। ये रेशम वाल पेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और कई कलरों में ये दस्तयाब है। कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं इसमें। तो ये 4 लीटर वाला 1 गैलन लिया है। तो अभी इसको जो है रुई को थोड़ा सा ऐसे नरम करेंगे और उसके बाद में इसके अंदर पानी डालेंगे तकरीबन 6 लीटर। 6 लीटर पानी डाल के और इसको थोड़ा ढक के रख देंगे। ये भी गाइस बहुत प्यारा लगता है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो ये अभी हमारा 6 लीटर पानी जो है इसके अंदर चला गया है। अभी इसको थोड़ा हाथ चाद मारेंगे, एक जान करेंगे, उसके बाद इसको जो है ऐसे ही ढक के रख देंगे। तो ये देखें गाइस, ये रुई होती है, ये बना हुआ होता है। बस आपने सिर्फ इसको ला के इसके अंदर पानी डालना होता है। बस पानी डालो और गरमाले के साथ अप्लाई कर दो द्वारों के ऊपर, ये इस कदर बन जाएगा। तो इसको अभी ये थोड़ा ढक के रखा है तकरीबन आधा घंटा। अभी उसके बाद आपने फिर इसको एक दफ़ा ऐसे हाथ मारना है ये, ताकि बिल्कुल मलाई जैसा बन जाता है। तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है अप्लाई करना द्वार के ऊपर, ये देखें। तो ये बहुत प्यारा लगता है रेशम वाल। तो गाइस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ये गाइस देखें, ये पिंक कलर का है, इसमें गुलाबी भी शेड है, पिंक भी है। तो ये बहुत प्यारा लगता है जब आप इसको पूरा अप्लाई करते हैं ना, ये देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये मुख्तलिफ शेडों में मिलता है, आप पूरे रूम को भी कर सकते हैं या एक द्वार करना चाहते हैं एक द्वार भी कर सकते हैं। ये 1 लीटर से लेके 16 लीटर की पैकिंग इसकी आती है। तो आप कोई से भी पैकिंग ले सकते हैं और कलर भी इसमें मुख्तलिफ हैं, ग्रे है, पिंक है, येलो है, तो ऐसे काफ़ी कलर हैं। जो सा आपको पसंद हो वो ही कलर आप वहां से उठा सकते हैं। अप्लाई जो है वो थोड़ा सा तरीके के साथ करना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं, आराम आराम से नॉर्मल, ताकि इसके अंदर गैप नहीं रहे। तो ये गाइस अभी हमारा ये देखें साथ साथ फाइनल टच चल रहा है। और जिधर कहीं आपको कमी पेशी महसूस हो वहाँ पे थोड़ा सा हाथ से आपने रखना है और उसके ऊपर गरमाला घुमा देना। तो ये गाइस जैसे जैसे लगाते जाएंगे थोड़ा गरमाला अच्छे से मारना है और बार बार थोड़ा मारना है, ताकि उससे क्या होता है जो सामान इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, वो थोड़ा गरमाले की मदद से आगे चलाना है उसको, ताकि देखने में एक जैसा लगे। ये देखें, ये अभी गरमाला चल रहा है, ताकि कोई भी ढेरी लगी हुई है सामान की, कोई ज़्यादा लगा हुआ है तो वो तकरीबन एक जैसा हो जाता है। तो ये गाइस छोटी सी द्वार थी,
ये देखें, ये माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और आप चेक करें और इसको घर में ट्राई भी मारें तो ये बहुत प्यारा लगता है। रेशम वाल, कुछ लोग रोग वाल भी बोलते हैं, रेशम वाल भी बोलते हैं, तो ये बहुत प्यारा लगता है। ये इसकी फाइनल लुक है और बहुत प्यारी लुक है।